एंड्रॉइड 15 हमारे फोन्स में कब आएगा? ये क्वेश्चन काफी लोग पूछ रहे हैं अभी कुछ हफ्ते 10 दिन से, क्योंकि इंटरनेट पर हर जगह एंड्रॉइड 15 के ही चर्चे चल रहे हैं अभी। तो देखो, एंड्रॉइड 15 अभी अपने बीटा स्टेज में ही पहुंचा है बस, और अभी भी अंडर डेवलपमेंट है वो। लेकिन इस साल सितंबर या अक्टूबर में आपको एंड्रॉइड 15 पिक्सल फोन्स में देखने को मिल सकता है। ऑल्सो अभी तक जैसे गूगल अपनी IO कॉन्फ्रेंस में हर बार मेजरली एंड्रॉयड के बारे में बात करता था, बट इस बार थोड़ा उल्टा हो गया है। एंड्रॉयड के बारे में कम बात करके मेजर डिस्कशन AI पर हुआ है। अब इससे ये अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में गूगल अपने हर स्मार्ट प्रोडक्ट के अंदर AI इंटीग्रेट करने वाला है। चलो फिर टॉपिक पर रहते हुए एंड्रॉयड 15 के 10 मेजर अपडेट्स आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, शुरू करते हैं और वीडियो को। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड यू आर वॉचिंग अनकट। सबसे पहला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो देखो, एंड्रॉइड 15 पिछले एंड्रॉइड वर्जन के मुकाबले ज्यादा सेफ होने वाला है, ज्यादा सिक्योर होने वाला है। इसमें आपको एक डेडिकेटेड प्राइवेट स्पेस देखने को मिलेगा, जिससे आपके फोन में स्टोर्ड सारा डेटा सिक्योर रहेगा और जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी आपकी वो भी सेफ रखी जाएगी। ये थोड़ा थोड़ा सैमसंग के नॉक्स सिक्योरिटी जैसा है, लेकिन यहाँ नया ये है कि एंड्रॉइड अपना खुद का प्राइवेट सेफ यहाँ लेकर आने वाला है, जिससे आपकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट की जा सके। ये काफी अच्छा फीचर लगा मुझे। दूसरा है कैमरा। तो अब एंड्रॉइड 15 में कैमरा ऐप पर काम किया गया है। बैक एंड पर काफी अच्छा काम हुआ है इसमें, जिससे कैमरा एक्सपीरियंस अच्छा हो यूजर का। तो इससे कैमरा ऐप में और नए ऑप्शन हमें देखने को मिलने वाले हैं, नए कंट्रोल्स होने वाले हैं अब। ऑल्सो कैमरा फ्लैश को भी आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन के लिए कस्टमाइज कर पाओगे। बाकी दूसरे ब्रांड जैसे OnePlus या Samsung की UI में इसका ऑप्शन पहले से होता था, लेकिन अब एंड्रॉइड में ये इनबिल्ट मिलने वाला है आपको। थर्ड इज बैटरी। एक डेडिकेटेड लो पावर मोड एक्सपेक्टेड है एंड्रॉइड 15 से। तो जैसे बैटरी परसेंटेज अभी कम है आपके फोन की, अगर तो आप पावर सेविंग मोड आप यूज करते हो, इसी का एक एडवांस वर्जन होने वाला है लो पावर मोड। इससे फायदा यह रहेगा कि एंड्रॉइड में इनबिल्ट एडवांस लो पावर मोड होगा, तो वो बैटरी को और ज्यादा लंबे समय तक बैकअप प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। अब ऑब्वियसली अगर मेरे फोन की बैटरी 20-25% के बीच में बची है, फिर उससे भी कम है, तो मुझे तो लगेगा ना कि जितनी लंबी चल सके भी बैटरी उतनी बेटर है। थोड़ा टाइम और जिंदा रह ले फोन इमरजेंसी केसेस में, और क्या चाहिए लोगों को, क्यों। फोर्थ इज स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब अपने को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक नया और बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा कि अब अपने को पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गूगल मीट में एक ऑप्शन होता है कि जब हमसे पूछता है वो कि हमको स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पर एक पर्टिकुलर टैब शेयर करना है, एक विंडो शेयर करनी है, या फिर एक पूरी स्क्रीन शेयर कर लेनी है हमको, ठीक वैसे ही अब एंड्रॉइड 15 में ऑप्शन होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, कि अगर आपको एक पर्टिकुलर ऐप की रिकॉर्डिंग करनी है या पूरी स्क्रीन की ही रिकॉर्डिंग करनी है। फायदा ऐसे मिलेगा इसका कि जैसे कभी कभी हमें एक ऐप पर कुछ काम करते हुए दिखाना है, तो हम वो पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प से, है कि नहीं, उतने में ही एक नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाए, उस पर आपका मेल या कोई मैसेज हो और वो रिकॉर्ड हो जाता है उसमें, और वो हम नहीं चाहते कि रिकॉर्ड होकर दिखे अगले को जिसको हमें वो रिकॉर्डिंग भेजनी है, तो हमें वो पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है। तो पर्टिकुलर ऐप की रिकॉर्डिंग करते वक्त एंड्रॉइड 15 में अगर नोटिफिकेशन या कोई भी पॉपअप आता है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो लेयर शो ही नहीं होगी, है कि नहीं बढ़िया चीज। और अगर कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, तो वो तो अभी तक जैसे हम करते आ रहे थे वैसे ही आगे भी करते आएंगे, उसका ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट इज आर्काइव एप्स। अब एप्स को आर्काइव करने का ऑप्शन भी रहेगा। जैसे आप कुछ एप्स बहुत कम यूज करते हो या नहीं चाहते कोई आपका फोन यूज करे तो उसकी नजर पड़े उन एप्स पर, या किसी को पता चले उन एप्स के बारे में, तो आप उन्हें आर्काइव कर सकते हो। बेसिकली जो फीचर्स हमें दूसरे ब्रांड्स के UI में मिलते थे, वो अब हमें डेडिकेटेडली एंड्रॉइड 15 में भी मिलने वाले हैं। अगला है थेफ्ट प्रोटेक्शन। तो AI इंटीग्रेशन की हेल्प से फोन खो जाए तो उसे ढूंढने में भी हेल्प मिलेगी, और अगर फोन चोरी हो जाता है तो ऐसे केसेस में आपका फोन अपने आप ही लॉक हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों तरीके की लॉकिंग सिस्टम्स रहेंगे फोन के अंदर। और अभी इसमें और देखना बाकी ये है कि ये फीचर कम्प्लीटली कैसा होने वाला है। अगर AI डिटेक्ट कर ले फोन को कि वो चोरी हुआ है और ओनर को किसी भी तरीके से साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन भेज दे, तो इसमें दिक्कत क्या है, कितना बढ़िया होगा ये सोचो। देखते हैं फिर ये कैसा होने वाला है, अभी चल के जो पूरा डेमो आएगा इसका। अगला है AI इंटीग्रेशन। अब देखो कि AI पर बात हो ही गई है, तो एंड्रॉइड 15 में गूगल ने जेमिनाई AI को भी इंटीग्रेट किया है जेमिनाई नैनो के नाम से, जिसमें आपको सर्कल टू सर्च जैसे कूल फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही बेटर ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा AI की हेल्प से ही, और जैसे मैंने पहले बताया था कि गूगल का प्लान है अब उसके सभी स्मार्ट डिवाइसेस में AI इंटीग्रेट करना, तो मतलब अब ऑन डिवाइस AI ज़्यादा दूर नहीं रहा है हमसे। जैसे सैमसंग ने गैलेक्सी S24 सीरीज के साथ अपना गैलेक्सी AI शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही गूगल ने भी एंड्रॉइड में डेडिकेटेड AI दे दिया है, जो सबसे पहले हमें पिक्सल फोन्स में देखने को मिलेगा, पिक्सल 9 सीरीज में मोस्ट प्रोबेबली।
अब देखना ये है कि इस साल एप्पल क्या करने वाला है आईफोन 16 सीरीज के साथ। क्या आईफोन 16 सीरीज में AI देखने को मिलने वाला है? इस पर आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। 8th इज वेबकैम। हाँ, एंड्रॉइड 15 में एक वेबकैम मोड देखने को मिलेगा जिससे आप अपने फोन को एक वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप्स में उनके वेबकैम्स इतने अच्छे होते नहीं है, तो अगर आसानी से फोन को वेबकैम की तरह यूज किया जा सकता है तो बहुत अच्छा फीचर होने वाला है ये। 9th इज सैटेलाइट कनेक्टिविटी। इस फीचर को हमने अभी तक सिर्फ डेमोज में देखा है, बट गूगल ने इस फीचर को भी टीज किया है एंड्रॉइड 15 के लिए कि नो नेटवर्क एरियाज में फोन कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है। फिर आप बिना मोबाइल सिग्नल्स और वाईफाई के कॉल और मैसेज भी कर पाओगे, लेकिन इसके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर चाहिए होता है जो ज्यादातर फोन्स में आता नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर हमें कितने एंड्रॉइड फोन्स में देखने को मिलने वाला है। पिक्सल में तो होना ही चाहिए वैसे, क्योंकि गूगल खुद ही बना रहा है इस फोन को, बाकी देखते हैं। लास्ट इज कोड नेम। तो जैसे हर एंड्रॉइड वर्जन का एक अपना अलग कोड नेम होता है, एक अलग नाम होता है उसका, वैसे ही एंड्रॉइड 15 के लिए उसका नाम रखा गया है वेनिला आइसक्रीम। तो बेसिकली मेजर अपडेट्स होने वाले हैं बैटरी लाइफ और उसकी ऑप्टिमाइजेशन को लेकर। CPU और GPU बेटर ऑप्टिमाइज किया जाएगा जिससे हैवी टास्क परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं हो फोन को। कैमरा इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं और जहां जहां AI काम आसान कर सकता है वहां वहां AI का इंटीग्रेशन होने वाला है। चलो फिर, अब अगर आपको एंड्रॉइड 15 पर मेरी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको सब आसानी से समझ आया हो, तो इसे लाइक जरूर करना। ऐसे ही अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव टेक कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब भी कर लेना।